प्रधानमंत्री जी महंगाई की एक भी बात नहीं करते, बेरोजगारी की एक भी बात नहीं करते। प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, ये इंडिया गठबंधनवाद को वोट दे दिया तो ये तुम्हारी भैंस छीन के ले जाएंगे, तुम्हारी दो भैंस है तो एक भैंस ये छीन के ले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये तुम्हारा मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, ये तुम्हारे घर की बिजली काट देंगे, ये तुम्हारे घर की, ये क्या है? हमारी तो कोई चिंता ही नहीं है उनको, हमारी समस्याओं की बात करो ना। अगर प्रधानमंत्री जी कहते मेरे को वोट दो मैं तुम्हारे पेट्रोल के दाम कम कर दूंगा, डीजल के दाम कम कर दूंगा, तुम्हारा दूध सस्ता कर दूंगा, खाने पीने की चीजें सस्ती कर दूंगा, तुम्हारे बच्चों के लिए ऐसे मैं रोजगार दिलाऊंगा, मैं भी वोट दे देता प्रधानमंत्री जी को। हमारी समस्याओं का उनके पास समाधान ही नहीं है, उन्हें हमारा ऐसे लगता है वो किसी और ही दुनिया में जी रहे हैं कि अब वो भगवान बन गए हैं और अजीब अजीब बातें करने लग गए हैं। मैंने उनका देखा 3 दिन पहले भाषण, अगर इंडिया गठबंधन को वोट दिया तो तुम्हारे घर की टूटी छीन के भाग जाएंगे। अरे क्यों टूटी छीन के भाग जाएंगे? तुम्हारे घर का मंगलसूत्र छीन लेंगे, क्यों छीन लेंगे मंगलसूत्र यार? तो दोस्तों ये देश बचाने का चुनाव है और यहां जितने लोग बैठे हैं मेरे को पता है एक एक व्यक्ति कम से कम 10-10 हजार वोट, आप लोग बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पे, समाज के नेता बैठे हैं यहाँ पे, समाज के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बैठे हैं, आप लोगों को सबको आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार करना है। देखिए मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर किसी भी दूसरी पार्टी को आप वोट दोगे, आपने देख लिया पिछले 5 साल 10 साल 15 साल से किसी ने पंजाब की आवाज नहीं उठाई लोकसभा में, और पंजाब में इस टाइम हमारी पार्टी है, पंजाब में सरकार हमारी है, अगर हमारा ही एमपी होगा और हमारी सरकार है, मिलजुल के काम करेंगे, जैसे इन्होंने कहा ये प्रोजेक्ट लेके आएंगे केंद्र से, अगर केंद्र से प्रोजेक्ट लेके आएंगे, हमारी सरकार है उसी ने उस प्रोजेक्ट को लागू करना है, तो मिलके काम करेंगे, तालमेल होगा, 13 की 13 सीट आएंगी, केंद्र में भी हमारे हाथ मजबूत होंगे और पंजाब सरकार से भी वो सारे काम हम करा पाएंगे, तो ये 13 की 13 सीट इस बार आम आदमी पार्टी को देनी बहुत जरूरी है। एक साल पहले जब मैं आया था मैंने आपसे कहा था मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया, आपकी समस्याओं का समाधान करने आया हूँ, आज मैं आपसे झोली फैला के मांगने आया हूँ कि हमारे को 13 की 13 सीट दे दो, हमारे हाथ मजबूत करो, और फिर देखो जो काम आज पंजाब के अंदर चल रहे हैं ये डबल ट्रिपल स्पीड से आपके सारे काम होने चालू हो जाएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।